नमस्कार, मैं हूं जानिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हरिद्वार में ललतारो पुल खोखा पटरी एसओ के प्रतिनिधियों के शिव पार्क में बैठक का आयोजन कर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कारोबारी स्थान से हटाए जाने के विरोध में बैठक का आयोजन किया। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से संयुक्त रूप से मांग की, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित या स्थापित किए जाने की कार्यवाही को क्रियान्वित किए जाने की मांग को दोहराया। ललतारो पुल खोखा पटरी एसओ की बैठक में लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने खोखा पटरी हाथ ठेली संगठन के न्याय संगत मांगों का समर्थन करते हुए नगर निगम प्रशासन से फेरी समिति की बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव किया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन अतिक्रमण अभियान के दायरे में वो लोग आने चाहिए जिन्होंने नगर निगम की संपत्ति को कब्जा रखा है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी की संपत्ति को कब्जा कर बड़े बड़े निर्माण कर दिए, जिन्होंने सिंचाई विभाग की भूमि पर आलीशान मकान खड़े करके किराए पर चढ़ा रखे हैं, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। ये रेड़ी पटरी वाला अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इनको स्वनिधि योजना देते हैं और ये कहा गया, भारत सरकार ने तमाम स्ट्रीट वेंडर को परिभाषित किया है। ये कहा गया कि बार बार कहा जाता है ये अतिक्रमणकारी है, ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये स्वरोजगारी है, ये अपना स्वरोजगार करता है, अपने बच्चों को मेहनत से सड़क पर स्ट्रीट वेंडिंग करके तब जाकर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो ये तमाम स्ट्रीट वेंडर जो है ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये स्वरोजगारी है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। और राज्य में स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016, जिसके तहत मैं टीवीसी सदस्य हूँ, टाउन बैंडिंग कमेटी बनी हुई है। यदि अतिक्रमण अभियान चलता है, जो न्याय कहता है, जो नियमावली कहती है, जो कानून कहता है कि पहले टाउन बैंडिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए, टाउन बैंडिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए, उसमें चिन्हित होना चाहिए कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ वेंडर को हटाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा। और एक समस्या का समाधान खुद ही दे रहा हूँ मैं आपको, आपके माध्यम से दे रहा हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा समन्वय सामान्य निर्वाचन की मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतगणना कर्मियों का प्रथम रैंडमाइजेशन मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल की अध्यक्षता में किया गया। मतगणना कर्मियों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 125 मतगणना सुपरवाइजर, 138 मतगणना सहायक और 149 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। इसी तरह पोस्टल मतगणना के लिए 52 मतगणना सुपरवाइजर, 104 मतगणना सहायक और 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। मतगणना कर्मिकों के प्रथम रैंडमाइजेशन में कर्मिकों की तैनाती की गई और द्वितीय रैंडमाइजेशन में मतगणना कर्मिकों को विधानसभा आवंटन होना तथा तृतीय रैंडमाइजेशन में विधानसभावार मतगणना टेबल आवंटित होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना विधानसभावार 92 ईवीएम टेबल रखी जाएगी और पोस्टल मतों की मतगणना 40 टेबलों में होगी। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्राम पंचायत गतौरा में सुबह लगभग 7:30 बजे गांव के बराबर बह रहे तालाब में अचानक बैलगाड़ी घुस गई और 2 बैलों की मौत हो गई। गतौरा गांव निवासी किसान बंटी पुत्र स्वर्गीय हर्षरूप सिंह ने बताया कि वो सुबह लगभग 7:30 बजे अपनी बैलगाड़ी से विकास के खेत से तरबूज लेने के लिए जा रहा था, तभी अचानक बैलगाड़ी में जुड़े बैल तालाब में पानी की तरफ मुड़ने लगे। उसने सोचा कि बैल पानी पिएंगे,
बैल तालाब में पानी पीने लगे। अचानक किसी चीज को देखकर दोनों बैल डर गए और बैलगाड़ी को लेकर तालाब में काफी गहराई में पहुंच गए। उसने बैलगाड़ी में जुड़े बैलों को बाहर निकालने के लिए बैलगाड़ी की रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन रस्सी नहीं कट पाई और उसे भी तालाब में ज्यादा गहराई होने की वजह से गोते लगने लगे। तालाब सटीक सड़क किनारे खड़े लोग आनंद फानंद में तालाब में घुसे और उसे और बैलगाड़ी को बचाने में लग गए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता शावेज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ पे रहती हो? ये जो घटना हुई है कैसे हुई? तरबूज भरने जा रहा, फिर पानी पिलाने लाया, तरबूज भरने जा रहा सुबह सुबह। कितने बजे की घटना है? 7 बजे। अच्छा, ये कितने बैल खत्म हुए हैं आपके? 2। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 लड़का 2 लड़की। कैसे परिवार का पालन पोषण करते हो आप? बैलों से कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, यही रोटी है, यही सब चीजें हमारी। आपके पति क्या करते हैं? कुछ ना है ही ना। तो अच्छा, क्या नाम है आपका? अम्मा वो है, बहन है जिनकी, ये हम दोनों। क्या हुआ यहाँ इतनी भीड़? मैं सेवे पानी पिलाने लेके आया तो ये सीधे अंदर घुस गए। मैं तरबूज भरने आया। क्या करते हो आप इसके अलावा? मैं यही काम करता हूँ, बैल ठेले चलाता हूँ बस। कितने बहन भाई हो? मजदूर है, मजदूर। कौन सा गांव है आपका? गतौर। ब्लॉक कौन सा है? मूला पांडे। जिला? मुरादाबाद। इसके अलावा आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है? ना, सिर्फ ये यहाँ खाने रोटी। इसकी सूचना आपने किसे किसे दे दी? तहसील को भी दे दी हमने। अच्छा, क्या बताया गया वहाँ से? कह रहा फोटो वोटो खिंचवा ली। अब क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कुछ मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। दोबारा से ठेला पेला चालू करेंगे। आपका? अमित कुमार लोधी। अमित कुमार जी, ये जो घटना हुई है कैसे हुई और क्या हुआ? ये घटना ऐसे हुई थी, सुबह लगभग 6:30-7 बजे के समय ये अपने ठेला बैल लेके तरबूज भरने जा रहा था। उनने सोचा, बोले कि यहाँ से पानी पिला के लेके चला जाऊँ। अब पानी पिलाने के लेके आने के बाद में बैलों से थोड़ी सी रस्सी कट रही हुई, अब वो बैल थोड़े से अंदर चले गए। ये पहनना नहीं जानता था, ना तो रस्सी काट देता। फिर उसके बाद में इसे भी गोते गोते लगे, इसकी भी जान बच गई, भले ही अच्छा हुआ, लेकिन मर जाते वो दोनों बैल खत्म हो गए। अच्छा, इनके पास क्या व्यवसाय है? कोई व्यवसाय नहीं है, गरीब परिवार है बिल्कुल। कितने लोग हैं इनके? इनके 6 परिवार हैं। अच्छा, पिता वगैरह हैं? कोई नहीं। कैसे पालन पोषण करते हैं ये अपना? अब वैसे ठेला मजदूरी करके 400-600 रुपया कमा ले भाई इनसे। 400-400 रुपया कमा ले वो भी साल में अपने पालन पोषण कर रहे हैं। किसे किसे सूचना दे दी आपने घटना की? तहसील को फोन करा मैंने। अच्छा, लेखपाल को भी फोन करा है जी। SDM साहब से भी अभी बात करूंगा मैं। क्या आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, वो ही कह रहे थे कैमरा में फोटो खींच के रखिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रही पानी की कमी के बीच LG वीरेंद्र सचदेवा ने CM केजरीवाल और उनकी सरकार को निशाने पर लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में पानी की कमी दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने समय रहते कोई कोशिश नहीं की। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। और आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही, भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हिमाचल, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहाँ से पानी ले सकते थे। हरियाणा में तो आप दोष डालते हो, हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते आप। दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकी जाए, इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने का काम आपका था। जो टैंकर माफिया जिसको आप सर पे चढ़ के नाच रहे हो, उस पर कंट्रोल करने का काम आपका था। आज पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए अगर जिम्मेदार हैं तो कोई आप हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, दिल्ली को पानी देना, दिल्ली को बिजली देना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए।
अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के अश्लील वीडियो के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह के कथित वीडियो पर चुप्पी को लेकर आप और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्पीड़न में शामिल लोगों का समर्थन करती है और महिलाओं के साथ खड़ी नहीं होती। शहजाद पूनावाला ने आप पर हमला करते हुए कहा, भ्रष्टाचार और कदाचार ये उनका व्यवहार बन गया है। उनका हमेशा महिलाओं के प्रति अपमान का दृष्टिकोण रहता है और ये आपकी मानक संचालन प्रक्रिया बन गई है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता संतांशु शर्मा की रिपोर्ट। शहजाद पूनावाला जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पहले भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी स्थान पर, क्योंकि रोज कोई ना कोई नया मुद्दा और नई घटना इंडी गठबंधन से आ जाती है तो हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो इंडी गठबंधन तथ्यों के आधार पर पूछ रहा है वो कोई नहीं है। उनका एक ही नारा है, मोदी हटाओ। तो मोदी हटाओ उसके बाद करना क्या है, आपका विजन क्या है देश के प्रति? मोदी हटाओ तो ठीक है, पर देश को देना क्या है जो आपने 65 साल में दिया? 12 करोड़ महिलाएं ओपन में सो जाती हैं, 10 करोड़ महिलाएं सुबह इकट्ठा करती हैं लकड़ी और रात को चूल्हा जलाती हैं। सड़कों का क्या हाल था, 7 किलोमीटर की एवरेज सड़क थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बोलते थे देहाती औरत, क्या दिया? गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटाओ? वो कह रहे हैं अब 1 सेकंड में गरीबी हटा देंगे, 2 मिनट में आलू से सोना बना देंगे। 32 करोड़ घरों को 1-1 लाख रुपए दे देंगे, जबकि टोटल रेवेन्यू हिंदुस्तान का 32 लाख करोड़ रुपए है। तो कहाँ से अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स सीखा है इन्होंने? कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़े हैं? हिंदुस्तान चलाना कैसे है ये उनको मालूम नहीं है। ये जो 35 साल का युवा नेता, 60 साल रिटायरमेंट एज है गवर्नमेंट की, ये 35 साल का एक 55 साल का एक युवा नेता है हिंदुस्तान का, ये क्या दिखाना चाहते हैं? कोई इनके पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं। मोदी हटाओ। हमारे कैंडिडेट लोकल मनीष तिवाड़ी जी इंडी गठबंधन के, अब पंजाब में क्या कर रहे हैं और चंडीगढ़ में क्या कह रहे हैं? पहले लुधियाना से, फिर अनंतपुर से, चंडीगढ़ से, क्या इनका बैग क्या है इनका पास? हमेशा डिलीवरी से बंदे की परसेप्शन बनती है, परसेप्शन से पर्सनैलिटी बनती है, परसेप्शन और पर्सनैलिटी से ब्रांड बनता है। इनके पास कुछ भी है? फिर अब बोलते जाएंगे जी। आज हमारे बीच में पूनावाला जी हैं, ये नए तथ्यों के साथ आपको कुछ बताएंगे भी हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़। धन्यवाद।